नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे 24 सवारी किसकी कितनी तैयारी। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इस कड़ी में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल दायित्वों का बंटवारा भी करने चाह रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की बैठक हुई, जिसमें किन नेताओं को जिम्मेदारी जाए इसकी सूची फाइनल बना ली गई है। जल्दी यह सूची सीएम धामी को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि होली से पहले सरकार दायित्वों का बंटवारा भी कर सकती है। वहीं कांग्रेस में एआईसीसी की सूची पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। ...2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल्द दायित्वों का बंटवारा भी करने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की चर्चा हुई। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये भी साफ कर दिया है कि भीतर घात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों अनेक योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठक चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक 24 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से, जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश की लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। वजह यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता एआईसीसी की लिस्ट से नाराज हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यों से भी खुश नहीं है। प्रीतम सिंह ने तो अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता भी प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वजह से नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहां पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए हैं। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे
और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ऐसे कैसे चले गए बताइए ना। देखिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता के साथ प्रदेश नेतृत्व के सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि कार्यकर्ता या नेता अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। अब वो NOCI के कार्यकर्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के कोई बड़े कार्यकर्ता हों, तो कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे सही किया जा सकता, तो अपनी बात मुखरता से नेता रखते हैं और पार्टी भी उसको सहजता से लेती है, और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा 2024 के दंगल को फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के झगड़ों में उलझी हुई है। देखना होगा क्या कांग्रेस में नेताओं के बीच मचा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा, क्या कांग्रेस 24 के दंगल में अपना खाता खोल पाएगी, क्या BJP की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से KNews India के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम चुनावी मोड पर रहते हैं, एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है हर राज्यों में चल रही है। उत्तराखंड में भी इसकी तैयारी की जा रही है। कार्यदायित्वों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी में अभी होना बाकी है। हालांकि कांग्रेस की AICC की जो रिपोर्ट की जो लिस्ट जारी हुई है उससे कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई लोगों का कहना है कि जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव वो अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। प्रीतम सिंह ने भी कई आरोप लगाए थे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस की ये जो अंदरूनी कलह है ये कहीं ना कहीं उनको आगे फायदा देने वाली है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हिमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमा जी आपका रुख करूंगी मैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी तैयारी में है ये मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे चुनाव आगामी चुनाव अब आ रहे हैं 2024 के आ रहे हैं, हमारे यहाँ अभी निकाय चुनाव उत्तराखंड में है, तो आम आदमी पार्टी देखिए सभी पार्टियाँ अपनी अपनी रणनीति बनाती हैं, अपनी अपनी तैयारियाँ करती हैं, और आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति के तहत अपनी तैयारियाँ कर रही है, और हमारे 70% बूथ हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके जो है हम पूरी जगह अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं, और मजबूती से आम आदमी पार्टी हर चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे होते हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, तो उसको लेके साथ साथ उत्तराखंड के पलायन को लेके, तो यही मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे हैं, आम जनता की जो हित की बात करती है, तो आम आदमी पार्टी के वही मुद्दे चुनाव में रहते हैं और वही रहेंगे, क्योंकि हम भाजपा की तरह कोई जुमला नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आम आदमी पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर जो वादे किए हैं वो करके दिखाए हैं, और जो अब उत्तराखंड के लिए भी जो वादे करेगी वो पूरे करेगी, और उसी के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के जो मुद्दों को लेके हम जहाँ जहाँ जो भी मुद्दे हैं उन्हीं को लेके हम सड़कों पर उतरेंगे और उन्हीं को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। जो हमारी दिल्ली में जो हमारा मॉडल है, हम दिल्ली मॉडल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वहीं पर हमारी अब चंडीगढ़ वहाँ पे पंजाब में भी हमारी सरकार है, तो उन्हीं मॉडलों को लेके हम, क्योंकि जो हमने किया है वो हम जनता के बीच में रख के और उसी तरह हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सभी राजनीतिक दल अपनी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, तमाम चीज़ें वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात अगर हम करें सभी राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टियां हैं उत्तराखंड में,
आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ी थी लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था आम आदमी पार्टी को। ऐसे में इन दोनों पार्टियों की अगर हम कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो भाजपा हमेशा कहती है कि हम चुनावी मूड में हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं हमें तकरार जो है वो समय समय पर देखने को मिलती है, चाहे वो हरक हरीश के बीच में हो, चाहे वो प्रीतम सिंह और करण महारा के बीच में हो, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं इन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को? देखिए यसी, चुनाव में दो महत्वपूर्ण, एक तरीके में कह सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक जो राजकीय पक्ष है, सत्ता पक्ष है, दूसरा और दूसरा जो आपका पार्टी संगठन है। शुरुआत चूंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है तो भाजपा से करते हैं। भाजपा ने प्रदेश में सरकार में और संगठन में एक बड़ा संतुलन स्थापित किया है और इन दोनों के बीच के अंतर को भी बना के रखा है। आज की डेट में, आज जब हम इस विषय पर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं तो उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं और वो आगामी 2024 की चुनाव को लेकर के रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, पर चर्चा हो रही है, बूथ मैनेजमेंट तक बात हो रही है। क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि भाजपा जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो बिल्कुल ये भाजपा का जो एक पेशेवर रवैया है कि भाई पार्टी का काम चुनाव लड़ना है तो वो अपने को उसने उसी तक सीमित रखा हुआ है, वो सरकार के किसी काम में दखल नहीं करती है और ना ही सरकार ने कभी पार्टी के काम में दखल किया है। यहाँ पिछले एक वर्ष में ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। दूसरा, भाजपा में बयानबाजी भी भले वहां अंतर विरोध हो लेकिन मुखर रूप होकर के सार्वजनिक बयानबाजियां बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी हैं, इक्का दुक्का बयानों को छोड़ दिया जाए तो। हालांकि पहले भाजपा में गुटबाजी बहुत चरम पर देखी जाती थी और ये सड़कों तक आ गई थी, लेकिन अब वहां जिस प्रकार का अनुशासन है उसने चीजों को बड़ा व्यवस्थित किया है। दूसरा, प्रदेश में हम जो मुख्य विपक्षी दल है अगर कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति इस समय बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस के लोग ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो पार्टी में किस पर विश्वास करें। वहां का युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर सर फुटबॉल कर रहा है, कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो सड़कों पर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके चैनल ने भी पहले कई बार उसकी खबरें चलाई हैं, अभी कुछ समय पहले उन कांग्रेस के जो युवा वर्ग है NSUI उसके लोगों की जो लड़ाई झगड़े सार्वजनिक रूप से निकल करके आए थे वो सभी बड़ी खबरें बनी थी कई चैनलों पे। तो ऐसे में जब पार्टी के भीतर ही ये स्थिति हो तो फिर वो जनता के बीच में और जनता उस पर कैसे भरोसा करे, तो ये एक बड़ी स्थिति निकल के आ रही है। दूसरा, यहाँ कांग्रेस के साथ समस्या ये हो रखी है कि कांग्रेस प्रीतम सिंह में, हरीश रावत में बटी हुई नजर आ रही है। करण महारा एक पेंडुलम की तरह हो गए हैं, एक वर्ष का समय होने जा रहा है लेकिन अभी तक उन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश के संगठन के विस्तार को लेकर की अभी तक कोई इस तरह की उन्होंने संतुलन साधने के चक्कर में उसका गठन नहीं कर पाए हैं कि किसके लोगों को रखें किसके लोगों को ना रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हरीश रावत के गुट के लोगों को रखने के चक्कर में प्रीतम सिंह नाराज हो जाएं या प्रीतम सिंह को रखने के चक्कर में हरीश रावत नाराज हो जाएं या इन दोनों गुटों में संतुलन साधने के चक्कर में अपना ही अस्तित्व कटघरे में ना आ जाए। ठीक, तो वो एक बड़ी विकट सी स्थिति वहां से दिखाई दे रही है। अब रह गए दो दल, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी। हालांकि अभी यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी नहीं है, भाजपा के लोग भी नहीं है और UKT के लोग भी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा लग रहा है जैसे जनता से अब अपना विश्वास खोता जा रहा है। ये वही दल है, हम लोग भी जब युवा थे, राज्य निर्माण की बात चल रही थी और हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेजों में तो हम लोगों ने भी इसी पार्टी के बैनर के तले संघर्ष किया, राज्य निर्माण में अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित की थी और तमाम राजनीतिक दल भी इसी के पीछे आकर के खड़े हुए थे राज्य की मांग को लेकर, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि उस समय तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व था नहीं। तो लेकिन जिस चीज को लेकर के और बड़ी बातें निकल करके आती थी कि क्या होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे होगी, राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी, राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसे होगा, रोजगार की स्थितियां क्या होंगी, पर्यटन नीति क्या होगी, जल नीति क्या होगी, वन नीति क्या होगी,
लेकिन आज की स्थिति यह है कि जब पहली विधानसभा में 5 विधायक 7 विधायक उसके बाद 4 विधायक 3 विधायक 2 विधायक और आज की डेट में कांग्रेस यूकेडी का कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है, तो जो एक क्रेडिबिलिटी वाली बात है, न जाने क्यों जनता के बीच में यूकेडी की क्रेडिबिलिटी अब कटघरे में आती जा रही है। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी प्रदेश में कोई स्थायी एवं मजबूत नेतृत्व तो नहीं दे पाया जिसकी धुली धुरी ऐसी हो कि जिसके चारों तरफ पार्टी जो है अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर सके और उसको लेकर के वो जनता के बीच में जा सके। अभी आम आदमी पार्टी के बीच में कोई ऐसा चेहरा निकल करके नहीं आया है। इनके पास पहले कर्नल अजय कोठिया कर्नल कोठियाल थे और कर्नल कोठियाल को लेकर के तमाम बड़ी बातें हुई, विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी हुए, तमाम सारी चीजें निकल करके आई, तो लोगों का एक लोगों के पास आम आदमी पार्टी के नाम से एक चेहरा था कि हाँ भाई कर्नल कोठियाल इसमें है, क्योंकि तो कर्नल कोठियाल की सैन्य पृष्ठभूमि से है, उनकी एक छवि है, तो एक चेहरा था। आज के डेट में कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के में जो आंतरिक सिर फुटावल है वहां से नाराज होकर के आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी की जो कमान है, प्रदेश की कमान, वो उन लोगों के हाथ में चली गई जो अन्य पार्टियों से आए थे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो स्थायी कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का झंडा डंडा उठा के रखा था, आज से नहीं शुरुआती काल से, जब लोग चीजों को नहीं जानते थे, जब अन्ना आंदोलन का दौर था, उस दौर से आज वो लोग कहाँ हैं पार्टी में, वो चेहरे भी नहीं दिखाई देते। और बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता भी रहे हैं जो पुराने कार्यकर्ता थे, कभी कभार डिबेट में भी दिखाई देते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब वो डिबेट में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है कि जो पुराने का पुराने हैं, जिन लोगों ने पार्टी को की नींव रखने का काम किया प्रदेश में, पार्टी को मजबूत करने का काम किया, वो लोग कहीं ना कहीं दूर हो गए, छिटक छिटक गए। और पार्टी के पास इस समय कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जिसके जिसको लेकर के पार्टी जनता के बीच में जा सके और जनता उस पर भरोसा कायम कर सके। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती राज्य में है, क्योंकि वो अक्सर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं और दिल्ली अभी अब तो पंजाब भी आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन कितने लोग उत्तराखंड के दिल्ली को देख पाए हैं या दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली में क्या विकास हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी वो प्रयास नहीं किया उत्तराखंड में कि दिल्ली की चीजों को लेकर के वो देहरादून में या उत्तराखंड में उन चीजों का प्रस्तुतिकरण कर सके कि उन्होंने व्यवस्थाओं में क्या बदलाव किया है। अच्छा, यहाँ ऐसी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी आरटीआई के दम पे, जो लोक सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम है, उसके दम पे सत्ता में आई, अरविंद केजरीवाल को रेमन मैक्सेसे भी मिला उस पे। उत्तराखंड में तमाम बातें होती हैं, तमाम चीजें निकल करके आती हैं, अनेक विपक्षी दल आरोप भी लगाते हैं, घोटालों की बात भी होती है, और ऐसा नहीं है कि घोटाले नहीं होंगे, ठीक, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस चीज के दम पर, जिस हथियार के दम, लोकतांत्रिक हथियार के दम पर चुनावी जीत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हासिल करी, उसी लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करना वो उत्तराखंड में भूल गई। आज तक मैं नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी ने कितने वो लगा कितने आरटीआई लगाई हो प्रदेश में और कितने घोटालों का पर्दाफाश किया हो। तो ये एक ऐसा विषय था जिससे आम आदमी पार्टी को लाभ मिल सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि पार्टी के भीतर ही कुछ इस तरह की चीजें हो रही हो कि वो बाहर ध्यान नहीं दे पाए हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में भाजपा की स्थिति यथार्थ रूप से काफी मजबूत है बनिस्पत अन्य दलों के जो दिख रही है। कुलदीप जी, बहुत चीजें आपने सभी पार्टियों के बारे में बताया और काफी कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई विचार करने लायक है। और मैं हेमा जी आपसे जवाब जरूर लूंगी, जो चेहरे वाला पॉइंट है वो बहुत प्रमुख हो जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के का कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्पष्ट चेहरा नहीं है कि हम इसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या ये चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी का अगर हम आधार की बात करें तो उस पर जरूर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घेरियाल जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, और
जी हाँ, लोकसभा के चुनाव हैं अभी। बहुत बड़ा मतलब जिसे कहेंगे कि एक राज्य के लिए दंगल है, जिसकी तरफ शायद सभी की निगाह है कि आखिर क्या होगा। तो अगर हम यूकेडी की बात करें तो यूकेडी, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि आप चेहरे की बात कर रहे थे कि किस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, एक्चुअली समस्या आज की यही हो गई है कि चेहरों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से हम एक क्षेत्रीय दल हैं और हमारा चेहरा हमारे मुद्दे हैं, बेसिकली हम जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, भू कानून से लेके मूल निवास से लेके, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, तो इन सभी मुद्दों को लेके हम एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। अब जनता को समझना ये है कि क्या चेहरों के प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या वो चेहरे वाकई में राज्य के हित के काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर मुद्दों पे चुनाव करने की आज आवश्यकता है। तो फिलहाल हम लोग तो तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता इन चीजों को समझे, मुद्दे जो गौण होते जा रहे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दों की जिन पर बात होनी चाहिए थी वो गौण होते जा रहे हैं, और अन्य ही कई अलग टाइप के मुद्दे आज जनता के बीच में रखे जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे भी एक तरह से प्रहार ही है। उसे हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर नहीं उसको लेके आएंगे, बट ठीक है, कर रहे हैं हम लोग भी लोकसभा की तैयारी। ठीक है, बहुत सदर शब्दों में मीनाक्षी जी आपने बहुत सारी बातें कही, इस पर हम आगे बात करेंगे। मोहन काला जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। मोहन काला जी क्या कुछ कहना चाहते हैं तैयारियों को लेकर लोकसभा चुनावों की, और अंदरूनी गुटबाजी पे मैं बाद में आऊंगी, पहले तैयारियों पर बात करते हैं। हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी कंटिन्यू करिए प्लीज। देखिए, रही बात तैयारियों की चुनाव की, तो कांग्रेस का लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो, या फिर चाहे आज तीन दिवसीय अधिवेशन हो, या फिर उत्तराखंड के जनमुद्दों को लेकर कांग्रेस का आक्रोश जो आप सड़कों पर लगातार देख रही है, और जिससे लगातार देखने के बाद आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी या इस प्रदेश की सरकार को इस तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं कि किसी ताकि सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो पूरे जोन में जो है कांग्रेस भवन से लेकर और गांधी पार्क का जो जोन है वहां पर 144 धारा लागू कर दी जाती है। तो कांग्रेस लगातार जनमुद्दों को लेकर सड़कों पर है, आक्रोश जो युवाओं में जो आक्रोश है, मातृशक्ति में जो आक्रोश है, कर्मचारियों में जो आक्रोश है, वो आप देख रही हैं। रही बात चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो कांग्रेस चाहे वो 2023 के स्थानीय निकायों का रण हो या फिर 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस तैयार है। और जैसा कि अभी आप चर्चा कर रही थी चेहरे की, देखिए कांग्रेस चेहरा है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा उसके उस नीति के तहत। नहीं नहीं, उस मोहन जी, कांग्रेस के पास तो हरीश रावत भी हैं, करण मादा भी हैं, प्रीतम सिंह भी हैं, ये चेहरे जो हैं ये आप समझे नहीं, मेरे प्रश्न का मतलब ही नहीं समझे। बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हो रही है। आम आदमी पार्टी का मुझे आप एक नाम बता दीजिए जो बहुत चर्चित हो मैदान में जाने के लिए। कांग्रेस का चेहरा हाथ का निशान है और वो हाथ का निशान जिसको तय करेगा वो चेहरा होगा, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसे, ना वहां पर बैठकर आप तय करेंगी ना मैं तय करूंगा। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए मेहनत करूंगा, पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर हमारा जो निशान है, हमारा जो पहचान है, हमारा जो चेहरा है वो हाथ का निशान है और हाथ के निशान को लेकर मैदान में जाएंगे। मोहन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन रहा हूँ मैं आपको। मोहन जी मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं और कुलदीप जी जो डिस्कशन कर रहे थे वो कांग्रेस के चेहरे पर नहीं था, वो आम आदमी पार्टी के लिए स्पेशली था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो कोई इससे भी पहले की आप चेहरे पे, इससे पहले की आप आम आदमी से निकल के नहीं, कांग्रेस नहीं के चेहरे पे कोई कोई मतलब नहीं बनता। दो चार नाम तो मैं ही आपको बता दे रही हूँ। कुलदीप जी मैं इसके बाद सीधे आपके पास आऊंगी। संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है उनमें उभरते हुए नेतृत्व को लोग देखते हैं कांग्रेस में, जैसा आपने भी ठीक कहा बिल्कुल बीच में कि भाई कांग्रेस में हरीश रावत भी हैं, प्रीतम सिंह भी हैं, हरक सिंह रावत भी हैं, करण महारा भी हैं, जो अभी यशपाल आर्य भी हैं, हाँ जी, और अनेक अनेक ऐसे पूर्व नेता और मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी में है। ठीक है, भाजपा के पास भी लंबी फहरिस्त है, लेकिन अच्छा यूकेडी के पास भी कई चेहरे हैं, हाँ जी, क्योंकि
पुष्पेश त्रिपाठी रहे हैं या वहां से कई पूर्व विधायक भी हैं, ठीक है, तो जो भले अभी लोकसभा विधानसभा में नहीं है लेकिन वो उत्तराखंड में यूकेडी के चेहरे रहे हैं। अगर यूकेडी की बात करते हैं तो लोग इन चेहरों से लोगों का आप एक आइडेंटिफाई करें। लेकिन अगर क्योंकि अभी मैं हेमा जी को सुन रहा था तो, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में अगर जनता भी अगर पूछे कि भाई हम किसे कौन कौन हो सकते हैं, एक को नहीं लेकिन कौन कौन हो सकते हैं, तो आप किसको बात करेंगे? जनता के पास कम से कम कोई चीजें तो होनी चाहिए ना। चेहरे का मतलब ये नहीं है कि कोई कोई राजनीतिक नेतृत्व तो ही एकदम उठा के डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारा परिपेक्ष उससे नहीं है। अगर हम यथार्थ धरातल पर अगर स्थिति देखें उत्तराखंड में, तो अब अगर हम ये कहें कि सच और सच्चाई ये है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में भाजपा ने अपना संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत किया है, बेहद सुदृढ़ किया है और लगातार वो उसमें विस्तार करती जा रही है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं आज 2024 के लोकसभा चुनाव की, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की इस पर क्या तैयारी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव जी, क्या कुछ तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? यशी जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव मोड में रहती है। हमारा कार्यकर्ता हर वक्त पार्टी को, संगठन को मजबूती देने के काम पे लगा रहता है, और चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम सभी चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। हम किसी भी चुनाव को बहुत हल्केपन में नहीं लेते, ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और बात रही विपक्ष का, संजीव जी यही आरोप है कि आप हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और जनता की क्या हाल है इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। यशी जी, जी देखिए, हमारा जितना तमाम विपक्ष है, मैंने कहा हम चुनाव मोड में रहते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही कि कभी सहकारिता के चुनाव होते हैं, कभी नगर नगर निगम नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो कभी लोकसभा के चुनाव। तो हर एक साथ तो चुनाव होते नहीं, हर लगभग अमूमन हर साल में कोई ना कोई एक चुनाव होता है, और हम लोग पूरी गंभीरता के साथ, मैंने कहा हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं। और जहां अन्य विपक्षी हमारे जितने दल हैं उनमें एक एक साल बीत गया, उन वो लोग अपने प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए, अपने प्रदेश में उनको पदाधिकारी का टोटा पड़ गया, जो वे लोग आज बाहर से इंपोर्ट करके अपने यहाँ पदाधिकारी बना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश से लेकर जिले तक, जिले से लेकर मंडल तक, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र तक, और शक्ति केंद्र से लेकर बूथ तक, और बूथ की भी 21-21 कार्यकर्ताओं की जो टोली बनाने का हम लोग काम लगभग पूर्ण कर चुके हैं। यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी केंद्र से जो हमारे बूथ सशक्तिकरण को देख रही हैं सुश्री सरोज पांडे जी, आज उनका उत्तराखंड दौरा था और उन्होंने बहुत एक हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने एक बात की प्रसन्नता जाहिर करी। उन्होंने कहा, जहां मैं अन्य प्रदेशों में जाती हूँ तो मेरे को ये बोलना पड़ता है कि ये कार्यक्रम है, आप इसमें ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, लेकिन उत्तराखंड में आकर मेरे को इस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, जो टास्क मैं देने जा रही थी वो टास्क आप लोग ऑलरेडी पहले 25-30% कंप्लीट कर चुके हैं। और यशी जी देखिए, अभी जो चंपावत का हमारा उपचुनाव, अपने पन्ना प्रमुख और जो हमारी बूथ की कमेटियां थी, 21-21 लोगों की जो हमारी कार्यकर्ताओं की जो हमारी कमेटियां थी, उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक कार्यों के बदौलत ही
भारतीय जनता पार्टी 94% अकेले मत लेकर, जबकि जितने भी विपक्ष है पूरी तरह से हम लोग धराशायी उनको करने में हम लोग कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी की जहां जमानत तक हम लोगों ने जब्त करा दी, जहां कांग्रेस पार्टी को मात्र 5% ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं फिर। मोहन जी, लेकिन मैं सोचता हूँ इतना काफी होगा। मोहन जी, हाँ हाँ मोहन जी बोलिए। यसी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो भी 21-21 अपने जो है पदाधिकारी गिना रहे थे, बूथ अध्यक्ष गिना रहे थे, पन्ना प्रमुख गिना रहे थे। अरे संजीव जी, इसी प्रदेश के अंदर पन्ना प्रमुख रहते हुए, इसी प्रदेश के अंदर बूथ अध्यक्ष रहते हुए, अरे उत्तराखंड के एक युवा ने आपके धाकड़ धामी को धूल चटाने का काम क्या क्यों भूल गए थे भैया? चंपावत से आपके पास चुनाव लड़ रहे थे और उसको हमारे कांग्रेस के जो है और कांग्रेस के युवा ने आपके धाकड़ धामी को पछाड़ने का काम किया, कहां मीडिया की हो, तमाम तब आपके पास यानी कि पूर्व प्रमुख नहीं थे, उन सभी आप क्यों भूल जाते हैं लगाने का काम किया? अरे आप क्यों भूल जाते हैं संजीव भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों भूल जाते हैं कि आपके धाकड़ धामी को धूल चटाने का काम भूल जाते हैं आप, कि आपके हरीश रावत जी ने कहा था कि पूरी कांग्रेस पार्टी को चादर में लपेट के गंगा में फेंक दो, क्यों भूल जाते हैं आप? उमा भारती जी गई थी गंगा में, रैली निकालते हैं संजीव जी और मोहन काला जी रुके, संजीव जी और मोहन काला जी रुके रुके, इस पर आएंगे हम, रुक जाइए। माध्यम से कि जब आपके यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी विधानसभा 2022 का चुनाव हार जाते हैं, तो मैं पूछ रहा था कि यही पन्ना प्रमुख नहीं थे क्या उस वक्त? आप ये किस तरीके की, ठीक है आप चुनावी मोड में रहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज जिस तरीके से विधायकों को तोड़ने से लेकर हो, चाहे खरीदना हो, चाहे सरकारें गिराना, वो सभी जानते हैं कि आप रहते हैं। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये घमंड, ये जो आपका सत्ता का जो नशा चूर, जो सत्ता के नशे में आप चूर है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। इसी प्रदेश मोहन काला जी रुकिएगा, मोहन काला जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, संजीव जी आप भी रुके, हेमा भंडारी जी यसी जी आप पन्ना प्रमुख बनाए बीजेपी, चाहे पान प्रमुख बनाए, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कहीं भी जाए। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जो है पिछाड़ने का काम किया, जिस पर इस प्रदेश को पिछाड़ने का काम किया, आज आप युवा देखिए ना सड़कों पर है, आज युवाओं को आपने जिन युवाओं ने आपके मैनिफेस्टो पर, आपके वादों पर विश्वास करके आपको 47 और 57 का बहुमत दिया। मोहन जी मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं क्या वो कभी हार पर मंथन करते हैं? उत्तराखंड की हार पर आपने मंथन किया? इतनी बुराइयां थी भारतीय जनता पार्टी में, लोग सड़कों पर तब भी थे, लोग सड़कों पर आज भी हैं, उसके बावजूद भी सत्ता पर काबिज है बीजेपी, क्यों कैसे क्या इस पर कभी आपने मंथन किया है? क्योंकि आपके अंदरूनी कला जो है वो समय समय पर निकल कर सामने आती है और लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। अनम्यूट करिए आपके बाद, ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और वो आपको पता है, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। आइए ना मुद्दों पर, अगर आपने चर्चा करनी है तो आइए, चौपाले लगाइए मुद्दों पर, आइए बात करते हैं। 80,000 से अधिक आपने पद रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, उस पर चर्चा करते हैं। आइए आप आज बेरोजगारी में, अरे शिक्षा नीति का हाल देख लीजिए कि आज 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, मुख्य शिक्षा अधिकारी जो है वो स्कूलों में ठीक है। मोहन काला जी और संजीव जी रोक जाइए, और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। हेमा जी कंटिन्यू करिए प्लीज, चेहरे पर बात हो रही थी। एक सेकेंड मोहन काला जी और संजीव जी रुक जाइए प्लीज, कृपा करके रुकिए। हेमा जी भाजपा के प्रवक्ता सुनते ही नहीं है, ये चिप लगा के आते हैं तो सुनते ही नहीं है किसी की। संजीव भाई जी हमने आपको बड़ी विनम्रता से सुना है तो अब आप हमें भी सुन लीजिए। यशी जी अभी हमारे भाई कुलदीप राणा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ठीक है उन्होंने कमियां बताई और कमियां एक्सेप्ट भी करनी चाहिए क्योंकि अगर हमें कमियां नहीं पता चलेंगी तो हम आगे इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ
कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए जब 2012-13 में पार्टी का गठन हुआ था तो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी और सिर्फ एक ही नाम था अरविंद केजरीवाल, और उस समय जो है दिल्ली में चुनाव हुए, और आज जो है 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार है, और बड़े बड़े जो पुराने धुरंधर हैं कई सालों से जो राज कर रहे थे उनको धूल चटाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और आप देखिए चेहरा ना भाई जी ने बोला कि चेहरा नहीं है, चेहरा जनता बनाती है। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो चेहरा कोई ऐसे नहीं बनता कि ऊपर से चेहरा आ गया और उसको चेहरा हमने घोषित कर दिया। आज भाजपा के पास छोटे से छोटा चुनाव लड़ने के लिए, एक वार्ड का चुनाव के लिए भी मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं, इनके पास कौन सा चेहरा, ये कौन सा अपने जो कार्यों को गिनवाते हैं और उन पे काम करते हैं। आप देखिए ना, आप गुजरात में आज हमारी 5 विधायक हैं और 2 उसमें हमारी सरकार है, तो ऐसा ही नहीं है। हमने जनता के मुद्दों को उठाया और जनता जिस दिन बदलाव करेगी, जनता ये जनता है, जनता जनार्दन है। और हेमंत जी, पंजाब में भगवान मान जी, पंजाब में भगवान मान जी का चेहरा लेकर आप आए थे, उनको लोगों ने पसंद किया, उनको मौका दिया, आज सत्ता पे काबिज है। दिल्ली में केजरीवाल जी अपना चेहरा लेकर गए, वहां पर उनको पसंद किया गया, आज वो सत्ता पर काबिज है। अब मुझे ये बताइए उत्तराखंड में आज तो लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि कर्नल कोठियाल को हमने वोट नहीं दिया, क्योंकि उनकी मानसिकता तो बीजेपी वाली थी, वो बीजेपी में चले गए। देखिए यशी जी, मैं ये कह रही हूँ कि जहां पर भी देखिए पूरे प्रदेश में जनता चेहरा बनाती है। और भाई जी जो हमारे पत्रकार बंधु भाई जी हैं, वो अगर पता करेंगे तो हर हर जिले में चेहरा होगा और वही चेहरा बड़ा चेहरा बनेगा। आप ऊपर से आ जाएं या कहीं से, अब ये है ना भाजपा की तरह तो कर नहीं सकते कि कांग्रेस मुक्त करने चले थे और कांग्रेस युक्त होके चल दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी जनता पर सड़कों पर आंदोलन करती है और भाजपा की तरह ये निकेन प्रक्रियण करके जो है सत्ता हासिल कांग्रेस के एक प्रवक्ता आपकी आपके खेमे में आ गए। वैसे हेमा जी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता आपके खेमे में आ गए हैं, नाम पता है आपको कि मैं बताऊं? आरपी रतूड़ी साहब, रतूड़ी साहब, हेमा भंडारी जी कांग्रेस के ही है। देखिए आम आदमी पार्टी जब लोकती है ना, वो भी कांग्रेस के देखिए मोहन भाई जी, वो देखिए उनके हम उन नेताओं को रखते हैं जिनका चरित्र और जिन्होंने जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड बहुत अच्छा और साफ। हेमा जी यही बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहकर लोगों को लेकर आती है कि अब चार चरित्र चेहरा इनका बहुत पारदर्शिता वाला था इसलिए हमने पार्टी में ले लिया। अब जिनका जो काम है वो तो वो कर ही रहे हैं। यशी जी भारतीय जनता पार्टी सीबीआई लगाती है और सीबीआई की जांच बिठाती है जो अच्छे नेता होते हैं, 6 महीने से जेल में है और आप उनको इसकी सरकार है वहाँ पर नहीं हटा रहे हैं, हटाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। निगम में आज लोकतंत्र की जीत हुई है भाई, लोकतंत्र की, संजीव भाई जी लोकतंत्र की। और आपकी तरह जिस तरह से गुंडागर्दी आपके लोगों ने करी है उसके बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी की मेयर है, आम आदमी पार्टी की डिप्टी मेयर बन गई। तो मीनाक्षी जी ठीक है, हेमा जी वापस आएंगे, मीनाक्षी जी क्या कुछ कहना चाहती हैं आप पूरे प्रकरण पर? देखिए कुछ खास कहने को बाकी रह नहीं गया क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, हम लोग बिल्कुल कोई गलत बात नहीं, आप ही ने खुद कहा कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो अगर वाकई में अगर चुनावी मोड में नहीं रहते होते तो शायद प्रदेश में आज जिस प्रकार के हालात हैं वो नहीं होते। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने जाता है, चाहे हमारे राज्य में अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण हो रहा हो या बेरोजगार बच्चे सड़कों पे हो, लेकिन उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो चुनावी अंकिता भंडारी वाले मामले में तीनों अपराधी मैं जवाब भी नहीं दूंगा आपकी बात का। अरे आप झूठ बोलते रहे, मैं जवाब भी नहीं दूंगा क्या? आपकी सरकार भंडारी होंगे तो सवाल आपसे ही होंगे। अंकिता भंडारी मामले में तीनों हत्या आरोपी
24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेजने का काम किसने किया? हमने किया। देखिए बिल्कुल ये जनता ने किया। माफिया संजीव भाई वीआईपी का हस्तक्षेप पता नहीं क्या हमारी सरकार की दिखाई गई। हम देख रहे हैं जनता सड़कों पर थी, जनता सड़क। देखिए हम देख रहे हैं किस प्रकार से केस को डिले किया जा रहा है, और हमेशा देखिए जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, हमेशा यही होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि कहां नार्को टेस्ट कहां किया गया, बताओ नार्को टेस्ट नहीं हुआ है। आगे की अन्य चीजों की बात करें, हम बेरोजगारी, बच्चे सड़कों पे हैं, क्या उनकी मांग जायज नहीं है? सीबीआई जांच की मांग का काम कौन कर रहा है? आपका ढपली देखिए उनको भड़काने का काम कौन कर रहा है? आपका ढपली गैंग उनको भड़काने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे प्रकार का चरित्र हम लोगों का नहीं है, इसलिए हम आप बच्चों की परीक्षा को क्यों नहीं संपन्न होने देंगे? मोहन काला जी, ठीक है, मीनाक्षी जी एक सेकंड रुकेगा, मोहन काला जी, मोहन काला जी, मोहन काला जी, उनके बीच में व्यवस्था, मोहन काला जी, मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करिए। आप मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करिए। आप मोहन काला जी सुन पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला रहे हैं बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला रहे हैं तो बात करिए ना। आपके ये मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष बेरोजगार, क्या ये बेरोजगार नहीं है? हाँ वो कहाँ से बेरोजगार होंगे, उनको तो आप लोग सारा ठेकेदारी का सारा काम तो। ठीक है मीनाक्षी जी एक सेकंड रुकेगा प्लीज, मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए यशी जी, अभी संजीव भाई कह रहे थे 24 घंटे के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये लाइव है और अनेकों अनेक लोग आपके इस चैनल को सुन रहे होंगे, मैं संजीव जी से ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि ये अगर आप सच में बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पर निर्भर करते हैं, और अगर आपके यहाँ भी बेटी है तो मुझे सिर्फ संजीव भाई ईमानदारी से इतना बता दीजिए कि वीआईपी का नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हो पाया? वो वीआईपी कौन था जिससे अंकिता भंडारी को स्पेशल? मोहन जी इसका जवाब कोर्ट कितनी बार दे चुके हैं, कोर्ट कह रही कि कोई वीआईपी नहीं था, लेकिन आप लोग पीछे पड़ गए हाथ धोकर कि बीजेपी वाले बता दे, कहां से बता दे बीजेपी वाले? कोर्ट कह रही है, या तो आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे। ऐसी सरकार है आज तक उसके पिता पर आरोप लगे, कहां है पिता? अरे जिस जो इनका राज्य मंत्री जिनका बेटा जेल में उसके उसके पिता पर भी रेप किया है, कहां है उसका पिता? कहां है उसका पिता मुझे बताइए जरा, कहां है किरण नेगी? अरे किरण इसी प्रदेश की बेटी जो दिल्ली में थी, किरण नेगी, उसके अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से छुड़वा दिया जाता है। आप यशी जी आप खुद इनसे पूछिए ना कि कहां पर है। और अभी आप जो अरे आप सत्ता में है, सुनिए यशी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं, अरे आप सत्ता में है, आप गिनवा रहे थे 21 की पेरिस, आप गिनवा रहे थे पन्ना प्रमुख, अरे उतारिए ना उनको। अच्छा मोहन जी देखिए, आज ना बीजेपी 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 को सुनिए सुनिए, ये डिबेट का मकसद ना बीजेपी के किए गए कार्यों का उजागर करने का नहीं है। मेरी बात सुन, एक सेकंड सुन लीजिए आप सभी मेरी बात, मैं यहाँ पर सभी को मौका दे रही हूँ बोलने का, एक साथ सभी शुरू हो जाते हैं। मोहन काला जी आप मुझे जवाब दीजिए पहले, हम यहाँ पर आज तैयारियों पर बात कर रहे हैं, बीजेपी की जितनी भी कार्यशैली है उस पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। मुझे पहले ये बताइए आपकी जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है वो कितनी सार्थक साबित हो रही है? आपके प्रीतम सिंह नाराज क्यों चल रहे हैं? देवेंद्र यादव पर तमाम आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? खबर ये भी है कि कांग्रेस के कई नेता देवेंद्र यादव का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ किया ना इसके बारे में? उसके बाद संजीव जी आपके पास आऊंगी अंतिम प्रतिक्रिया, कुलदीप जी आपकी। हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को मजबूत करने का हो यशी जी, कांग्रेस अपना काम कर रही है, और इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जिस तरीके से कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता को लेकर जाएगी, चाहे वो इस प्रदेश के बेरोजगारों की बात हो, चाहे इस प्रदेश की मातृशक्ति की बात हो, चाहे इस प्रदेश के नौजवानों की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर इस प्रदेश में, चाहे वो किसानों का हो, चाहे कर्मचारियों का, ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से क्या चल रहा है इसका जवाब दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, बीजेपी के कारनामे फिर कभी सुनेंगे हम। आप अगर आप मुझे बताइए, अगर आप इस पर चर्चा करती कि उत्तराखंड का बेरोजगार बीजेपी से नाराज क्यों, तो मैं आप पे जवाब मोहन काला जी मैं आपको 10 बार इनवाइट कर लूंगी ऐसी डिबेट्स में। आपको शायद पता नहीं है कि हम ऐसी डिबेट्स हमेशा करते रोज करते, आप शायद नहीं आते हैं हमारी डिबेट्स में, पर आपके जो प्रवक्ता है शीशपाल जी से पूछेगा जाकर।
मरोड़ हो जाती है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा हो जाता है। जिस तरीके से धामी जी पर प्रहार करते हैं, तेजस्वी रावत जिस तरीके से प्रहार करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता आपको ये दिखता क्यों नहीं, आपको सिर्फ कांग्रेस की आपसे लड़ाई क्यों दिखती है। कुलदीप जी जवाब दीजिए प्लीज, मोहन गाला जी को जवाब दीजिए, कुलदीप जी जवाब दीजिए, संजीव जी एक सेकंड रुक जाइए, इसके बाद आपके पास आती हूँ मैं, संजीव जी प्लीज रुक जाइए, संजीव जी गणेश गोजाल जी की बात करूँ, सब एक साथ होकर सड़कों पर भागते हैं, संजीव जी कुरीतियों के खिलाफ सड़कों पर का बोल पाला है कांग्रेस के अंदर, कुलदीप जी। अरे मदन कौशिक जी ने घेर लिया था निशंक जी को हरिद्वार, कुलदीप जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आपको जानकारी नहीं होगी। काला जी तमाम आरोप तमाम खामियां हैं भाजपा में, उसके बावजूद भी भाजपा चुनाव जीत रही है, और कांग्रेस में तमाम खूबियां हैं उसके बावजूद भी कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है। बात पूरी सुनेंगे ना, आप ही बात का जवाब, मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ ना, आप कब से कह रहे थे, देखिए सवाल मुझसे पूछा गया ना, इसी जनता ने नकारने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी तो आपके मुख्यमंत्री मोहन जी प्लीज सुन लीजिए कुलदीप जी को भी, कुलदीप जी जिनको 2022 में, कुलदीप जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, वक्त की कमी हमारे पास, पुष्कर धामी चुनाव हार गए, पार्टी चुनाव जीती, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री है ये भी सच है, दिख रहा है, भाजपा चुनावी मोड में रहती है, भाजपा का संगठनात्मक ढांचा तैयार हो गया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के ठीक 3 महीने के बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मिला था भाजपा को, भाजपा ने अपना संगठन पूरा कर दिया, दिख रहा है, दिख रहा है, कुलदीप राणा कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस में 1 साल से ऊपर समय हो गया, संगठन का अभी विस्तार नहीं हो पाया ढंग से, दिख रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के ही नहीं जिनको भाजपा भी मानती है कि हरीश रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, तमाम राजनीतिक दल मानते हैं, हम पत्रकार भी मानते हैं, वो नेता लोकसभा का चुनाव भी हारते हैं, विधानसभा का चुनाव भी हारते हैं, दूसरी विधानसभा का चुनाव भी हारते हैं, ये भी दिख रहा है, प्रीतम सिंह हरीश रावत पर बयानबाजी कर रहे हैं, हरीश रावत प्रीतम पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, कांग्रेस के युवा वर्ग युवा नेतृत्व NSUI सड़कों पर सिलफोटेबल हो रहा है, ये भी दिख रहा है, कुलदीप राणा कोई अलग बात नहीं कह रहा है, लेकिन भाई साहब चुनाव तो आपने लड़ना है ना, लोकतंत्र में लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि यहाँ विपक्ष होता है, और आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी से क्या मिलेगा। ठीक है कुलदीप जी, हमारे पास चूंकि वक्त की कमी है, मोहन काला जी अगले डिबेट्स में मैं चाहूंगी कि आप जरूर आए और इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने का, और देवभूमि के जंगल में आज हम बात कर रहे थे 2024 की तैयारियों को लेकर, सभी राजनीतिक दल कितना तैयार है, हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं अब साफ पब्लिक डोमेन पर नजर आने लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो चुनावी मोड पर रहती है उसने अपनी तैयारियां कर ली है, आम आदमी पार्टी भी अपने आप को बता रही है कि उनकी तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही साथ UKD भी तमाम तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए KNews India, नमस्कार।